लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मीटर की दौड़ में फर्स्ट आए हैं राजू और विकी, सेकंड वसंत और थर्ड ऑस्कर। लॉन्ग जंप में भी फर्स्ट आए हैं राजू और विकी, सेकंड है शौकत और थर्ड वसंत। वन टू पंजा लड़ाने के कंपटीशन में भी फर्स्ट आए हैं राजू और विकी। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इस साल भी हर साल की तरह क्लास में फर्स्ट आए हैं राजू और विकी। राजू के नंबर हैं 525 और विकी के नंबर भी 525। यार ये स्कूल वाले 2 महीने की छुट्टी क्यों देते हैं? मैं भी ये सोच रहा था विकी कि हम दोनों 2 महीने एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं। यार तू मेरे साथ घर क्यों नहीं चलता? नहीं तू मेरे साथ घर चल। अरे इतनी रात को प्रिंसिपल साहब के ऑफिस की लाइट ऑन क्यों है? चल चल के देखते चल। ये तो चोर लगता है। में से राजू कौन है? ये है राजू डॉक्टर, ये है राजू। तुम्हारा खून विकी से मिल गया? देखा मैंने कहा था ना कि मेरा ही खून मिलेगा। बच्चों स्कूल के स्पोर्ट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो खत्म हो गया, मगर इस साल का एक खास इनाम बाकी है। मैं उन दोनों बच्चों को स्टेज पर बुलाता हूँ। उनके नाम है पिताजी, ये है राजू जिसने अपना खून देकर मेरी जान बचाई। अरे तेरी हड्डी पसली टूट जाती मेरे तो 200-400 रुपए निकल जाते। बड़ा आया चोर को पकड़ने वाला। लेकिन पिताजी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा काम किया। अबे तेरे प्रिंसिपल को क्या मालूम अच्छा क्या और बुरा क्या। हाँ अगर चोर मान ले जाता तेरे बाप का था क्या? ले जाने तो क्यों इसे अपने जैसा बना रहे हो? बेटे ने बहादुरी का काम किया है तो हिम्मत बढ़ाइए ना। बहादुरी का काम किया मिला क्या? चांदी का पानी चढ़ा कब? न चाय पीने के काम आएगा न शराब पीने के। आपको तो दिन रात शराब की पड़ी रहती है। चल चल नमकीन ला चल। देख जिंदगी में काम वो करना जिसमें अपना फायदा हो। तूने अपने दोस्त के लिए अपना खून दिया है, यही परोपकार की भावना मनुष्य को ऊंचा बनाती है। ये सब आपको कैसे मालूम पिताजी? किताबों से, सारा ज्ञान किताबों से मिलता है। हाँ। इसीलिए तुझसे कहते हैं खूब पढ़ा कर, खूब पढ़ेगा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। पिताजी आपने सारी किताबें पढ़ी हैं? सारी तो नहीं पढ़ी बेटा, लेकिन बहुत सारी पढ़ी है। अब तो खैर आंखें नहीं रही। पिताजी आपकी आंखें कैसे गई? तू छोड़ नहीं सब, चल खाना खा ले। नहीं माँ मैं पूछ कर ही रहूंगा, पिताजी हमेशा टाल देते हैं। पिताजी बताइए ना, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बता भी दीजिए ना, एक न एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। देखो बेटे हमारा एक बड़ा भाई है ज्वाला प्रताप। कहाँ है वो? हमारे पुरखों की हवेली छोड़कर शहर भाग गया, बाहर कहीं शादी की
सुना एक बेटा भी है। लेकिन वो भाग क्यों गए थे? बुरी आदतें पड़ गई थी उसे, सिगरेट शराब जुआ हर एक से झगड़ा। बस जब पैसों की जरूरत पड़ती थी पिताजी से लड़ झगड़ कर किसी बहाने पैसे लेता था। सालों यही चलता रहा। इधर पिताजी की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा, हमने ये वसीयत बनवा दी है, हमारे बाद हमारी सारी जायदाद जमीन रुपया जेवर सब तुम्हारा है। ऐसा आपने क्यों सोचा पिताजी? भगवान करे आपका साया हमारे सर पर सदा बना रहे। सदा कौन जिया है बेटे, जो हम जिएंगे। दुख तो सिर्फ एक ही बात का है, तुम्हारा बड़ा भाई। हाँ पिताजी, यह हमारा दुर्भाग्य है कि ज्वाला प्रताप बुरे रास्ते पर चल पड़ा। इसीलिए हमने उसे कुछ नहीं दिया, वरना वो सब जुए और शराब में ही उड़ा देता। लेकिन उसकी पत्नी और बेटे का तो कोई कसूर नहीं है पिताजी। उनके लिए तुम उन्हें 5,000 रुपए महीना देते रहना। पिताजी आप दवा लीजिए। नहीं बेटे, दवा बांध भी लूंगा। तुम जाओ और जाके इस वसीयतनामे को संभाल के रख दो। और इसकी खबर ज्वाला प्रताप को नहीं होना चाहिए। वो बिन भरोसे का आदमी है, बिन मौसम की बरसात की तरह न मालूम कब टपक पड़े। जाओ, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपके लिए डॉक्टर बुलवाने भेजता हूँ। प्रणाम पिताजी। तुम फिर किसी न किसी बहाने पैसे मांगने चले आए, निकल जाओ यहाँ से। आखिर पिताजी हम भी तो आपके बड़े बेटे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद का हक तो हम भी रखते हैं। लाइए पिताजी वो तिजोरी की चाबी लाइए, हम खुद ही आपका आशीर्वाद ले लेंगे। हम मर जाएंगे मगर तुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाएंगे पिताजी? उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई, हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। आपके भाई को पुलिस ने पकड़ा नहीं? वो भाग गया बेटे, कानून के डर से। सुना है अपनी बीवी और बेटे के साथ अब भी भागता फिर रहा है, लेकिन कब तक भागेगा? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या पुलिस? रुक जाओ। क्या हुआ भाई साहब? वो अपने बाप का खूनी है। क्या? सुनिए सुनिए तो द चाइल्ड। नर्स इंजेक्शन क्विक। यस डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। नर्स इनके साथ कौन आया है, उन्हें अंदर बुलाओ। यस डॉक्टर। सुनो तुम्हारे पिताजी नहीं आए अभी तक? नहीं। कहाँ है वो? पता नहीं। ऐसे कैसे हैं वो जो तुम्हारी माँ को इस हालत में छोड़कर चले गए? क्या हुआ? आओ अंदर।
शी इज नो मोर। माँ माँ डॉक्टर साहब, मेरी माँ बोलती कि नहीं, बोली ना डॉक्टर साहब, बोली ना। तुम्हारी माँ मर गई है बेटे। मेरी माँ मर गई। माँ 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 तू अकेले आया क्या रे? तेरे साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है क्या? मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेला ही आया हूँ। पैसे लाए हो क्या? माँ को जलाने का पैसा लोगे? हाँ, वहाँ पैसे जमा कराओ, रसीद लाओ, लकड़ी मिलेगी तब चीता जलेगी। पर मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो यहाँ क्या कर रहा है? जा कहीं से भी पैसा लेकर आ। भाई साहब, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? मैं क्या करूँ? भगवान, मेरे पास पैसा नहीं है। भगवान, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी माँ मर गई है। क्या हुआ बेटा? मेरी माँ मर गई है, मेरे पास पैसा नहीं है। घबराओ मत, भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। आ जाओ बेटा, उठाओ भाई, उठाओ। आओ बेटा, आओ। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, प्लीज सिट डाउन। आई एम सॉरी, आज मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। आई हैव गॉट अदर इंपॉर्टेंट वर्क। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या हुआ? सर, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो आपने 5 लाख रुपए भेजे थे उसकी रसीद आ गई है और सीएम का थैंक्स लेटर भी। गुड। मिस्टर सेन? सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री में फॉरेन एक्सचेंज की लिमिट बढ़ाने के लिए जो हमने एप्लीकेशन दी थी वो मंजूर हो गई है और अब हम $2 मिलियन तक का माल इंपोर्ट कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मिस्टर कन्ना, हमारे गौतम नगर के पानी के कनेक्शन का क्या हुआ? कल मैं कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गया था सर, 15 दिन के अंदर अंदर कनेक्शन लग जाएगा। 15 दिन? नो नो, उन लोगों को पानी लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है शायद ये कॉर्पोरेशन वाले नहीं जानते। आप हाइड्रोलिक इंजीनियर से मिलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ना हो तो मैं खुद हायर अथॉरिटी से मिलूंगा। ओके,
हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया मैं। हमारी गौतम कंपनी के तमाम वर्कर्स को इस दिवाली के अवसर पर 3 महीने का बोनस कर दीजिए। ये विक्रम प्रताप सिंह है, बहुत बड़ा कारोबार है इनका और इनका दिल कारोबार से भी ज्यादा बड़ा है। सुना है ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं। इसका मतलब है गरीब इसे देवता मानते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि गैर कानूनी कामों में इसका बहुत बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली। और ये रही इस केस की फाइल, इसके लिए सीबीआई डिपार्टमेंट स्पेशली तुम्हें डिप्यूट करके बॉम्बे भेज रहा है। आई सी। ओके सर। राजीव, एक बात का ख्याल रहे, इससे पहले जो ऑफिसर्स भेजे गए उनका आज तक कोई पता नहीं चला, मालूम नहीं वो जिंदा है। सर, भगवान ने इस हाथ में जिंदगी की रेखा बहुत लंबी बनाई है, इसे विक्रम प्रताप सिंह तो क्या कोई इंसान नहीं बदल सकता। वेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आइए विक्रम प्रताप सिंह जी, बहुत जल्द हम आपके पास आ रहे हैं। वेलकम मिस्टर राजे, वेलकम। पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे आदमी ने इंफॉर्मेशन भेजी है कि अब की बार ये सीबीआई ऑफिसर खास तौर पर हमारे लिए आ रहे हैं। वेल मिस्टर विकास, हमारा जो गिफ्ट लंदन से आया है वो गिफ्ट अभी तक नहीं खुला। बस खुल गया, ये लीजिए। गुड। वैसे आप बहुत दूर की सोचते हैं सर। इसमें सोचने की क्या बात है मिस्टर विकास, ये दूरदर्शन वाले दूर की चीज नजदीक दिखाते हैं और हम दूरदर्शन के जरिए दूर की चीज नजदीक मंगवाते हैं। गोपाल। और हां, ये फोटो जरा गौर से देख लो। इस सीबीआई ऑफिसर के स्वागत में किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहमान यहां से निकल चुका है। ओके। सरप्राइज डॉक्टर, आई एम अ सीबीआई ऑफिसर। मैंने ये सब नाटक इसलिए किया ताकि वो लोग मुझे मरा हुआ समझे। आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, उस पेशेंट को बचाइए, उसका बयान लेना बहुत जरूरी है। कम। वो पेशेंट? सॉरी, ही इज नो मोर। ओह माय गॉड, कैन आई हैव अ लुक एट हिम? ओह श्योर, कम डॉक्टर। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, तुम्हारी वजह से हमारा एक खास आदमी चला गया। क्या नाम है उसका? राम सिंह। हाँ, राम सिंह। उसके घर वालों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? यस सर। सर, उस ऑफिसर को भी इतनी गोलियां लग चुकी हैं कि अब वो बचेगा नहीं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो बच गया है।
वो बुलेट प्रूफ जाके पहने हुआ था, समझे? इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से जानता था कि उसके ऊपर गोलियां चलने वाली हैं। हेलो, आई सी। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स, डू एज़ आई से, ओके? यहाँ कोई सीबीआई ऑफिसर है मिस्टर राजीव, जिन्होंने मुझे यहाँ? मैं ही हूँ, मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह। आप मुझे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह, अक्सर आपके बारे में पेपरों में पढ़ता हूँ। वैसे किस लिए याद किया आपने? आइए, ध्यान रखना इंस्पेक्टर। यस सर। थोड़ी देर पहले कुछ बदमाशों ने मुझ पर हमला किया। इज इट? मैं तो बच गया, लेकिन उनका एक आदमी मेरी गोली का निशाना बन गया। आई सी। वो देखिए, आप इसे जानते हैं? नहीं। ये आपने कैसे समझ लिया कि इस आदमी से मेरा कोई रिश्ता है? इसलिए कि आपका विजिटिंग कार्ड जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है वो इसकी जेब से निकला है। मिस्टर राजीव, मेरा विजिटिंग कार्ड न जाने कितने लोगों के पास है, ये जरूरी तो नहीं कि मैं उन सबको जानता हूं। यू आर राइट, लेकिन हमने सोचा शायद इस मामले में आप हमारी कुछ मदद कर सके। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। खैर, अगर ये बच जाता तो इसके बयान से मैं उस आदमी तक पहुंच जाता जिसने मुझ पर हमला करवाया। इट्स माय बैड लक। यस यस यस, इट्स योर बैड लक एंड हिज गुड लक। एनीवे, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ मिस्टर राजीव, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रख लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो याद कीजिए। रामो जी, मारिया किधर है? अंदर है साहब। क्या कर रही थी ऊपर? क्या हुआ गाड़ी को? फास्ट चलता है। मारिया, जहां तुम जैसे काम करने वाले होगी वहां हर चीज फास्ट ही चलेगी। मालूम है मुझे बाहर जाना है? मालूम है। चलो चाय बनाओ। सॉरी दीपा, दीपा, दीपा साहब के लिए चाय लाओ फास्ट। मेरा सूटकेस तैयार है। यस सर। गंगू, गंगू साहब का सूटकेस गाड़ी में डालो, फास्ट करो। जी मैडम। सर, आपके लिए एक एक्स्ट्रा सूटकेस, मेरा मतलब है सूट गाड़ी में डाल दिया है। मारिया, तुम में और तुम्हारी मां में कोई फर्क नहीं है, ग्रेस एंटी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी। क्या करेगा सर, हम अपना मामा का बेटी है ना। मतलब? एक बात बोले सर, आपने भी हमारा मामा से फास्ट बोलना सीखा है। मतलब? मतलब वॉक फास्ट टॉक फास्ट। तुम्हारी माँ से हमने क्या नहीं सीखा, शी वॉज ए ग्रेट लेडी। आप भी तो कितना ग्रेट है सर, आपने हमारा मामा को कभी नौकर नहीं समझा, कितना इज्जत दिया उसको। मरने से पहले हमारा मामा हमको बोला, मरिया दुनिया में ये घर सबसे अच्छी जगह है, और वो बिल्कुल ठीक बोला सर। मैडम, सूटकेस गाड़ी में रख दिया है, मैं चलता हूँ। यस सर। सर, 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 आपका टिकट, आपका टिकट। सर, मैं छोटे से आपको फोन करके कह दूँ? नहीं नहीं नहीं, नो, मैं गौतम को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा मरिया, मैं कल शाम को फिर से वापस आऊंगा, ओके? यस सर। साहब तो गया। आज के इस वैरायटी शो का आखिरी और शानदार आइटम आपके सामने पेश कर रहे हैं, डॉली और गौतम।
साथ गाए परदेसी गीत, भूल के देश का ये संगीत, सात सुरों के सागर में डूब के देख मेरे मन मीत। समझी बेबी, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, ये बताइए आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा? हमारी तो फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप भैया? ओनली फ्रेंडशिप? नो, सिर्फ फ्रेंडशिप। अच्छा। हम दोनों लंच साथ में ही खाते हैं, और मालूम है भाई साहब, डिनर हॉस्टल वाले हमें साथ करने ही नहीं देते। अच्छा, डिनर भी साथ में करना चाहते हो? 105 नंबर, बंबई से ट्रंकाल। भैया ये आपका ही फोन है। यस सर, वो आपके दोस्त है ना मिस्टर मोहन, वो सिंगापुर से आए हैं सर। देखो
उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं शाम की प्लेट से आ रहा हूं। मोहन, ए मोहन, ए विकी। अरे यार, ये अचानक हमारे यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुझे बुला बुला के थक गया कि दो चार दिन के लिए बॉम्बे आ जाऊँ, लेकिन तुझे सिंगापुर छोड़ने का दिल ही नहीं करता। भाई साहब, अरे भाभी, कैसी हो? बहुत दिन हुए देखे हुए। ये मेरी भाभी है ना? क्यों, कोई शक है क्या? वो मेरी भाभी किधर है जिसके बाल इतने लंबे थे कि घर में झाड़ू का काम अपने आप हो जाता था? क्या बताऊं यार, अकेली बाल धो नहीं सकती थी। बाल भी धो, कंघी भी करो, तेल भी लगाओ। बस, बस, बस। लेकिन ये बात तो सच्चाई कि बाल क्या? के साथ साथ उम्र भी कम हो गई। अब तो बिल्कुल स्वीट 16 लग रही है। स्वीट 16? एब्सोल्युटली। इसीलिए तो अभी तक मेरी स्वीट डिश है। स्वीट डिश आफ्टर फूड भैया, पहले गरम गरम खाना। ये सब क्या कर रही? एक आध दिन रहना हो तो और बात है, अब तो हमें रहना ही यही है। लेकिन फिर भी मारिया, तुम्हारे होते हुए ऐसा बिन? सर, हमने इनको बहुत बोला सर, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैडम ने हमको कोई काम नहीं करने दिया सर। फॉर्मेलिटीज जाने दो, हमें खाना खाने दो। कल सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। क्या बात कर रहा? इसके भाई की शादी है दिल्ली में, कल पहुँचना है। अच्छा, तो साले, तो साले की शादी पर आए हो? भाई साहब, आप भी तो इनके साले है, आप भी शादी कर लीजिए, हम चले आएंगे। बाय द वे विकी, तू कब शादी कर रहा है? हाँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों, कोई लड़की नहीं मिलती क्या? क्या बात करती हो भाभी, ये जिस लड़की को भी कहेंगे ना नहीं कर सकती। क्यों मारिया? यस मैडम, आप बिल्कुल ठीक बोलता है, जो भी इस घर में आएगी वो सचमुच कितना लकी होगी। ओह, पहले आप खाना खाइए। वैसे सीमा जी, आप कब शादी कर रहे? मैं? अरे यार, इसीलिए तो इसे तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ। हम तो लड़के दिखा दिखा कर तंग आ गए, शायद तू ही इसकी मनपसंद ढूंढ दे। ढूंढने की जरूरत नहीं है भैया, मैं अपनी मनपसंद जानती हूँ। मेरी पसंद मेरे मन में है और मन मेरा बॉम्बे में है, इसलिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ना आप अपनी मनपसंद बताइए ना दिल्ली जाइए, आप यही रहिए हमारे पास। आप बॉम्बे दिखाएंगे? व्हाई नॉट, आपके भैया भाभी तो उड़ गए दिल्ली और हमको लगा गए काम पर। आप ये बताइए कि आप और भैया मेरी तरफ बार बार देखकर एयरपोर्ट पर क्या बातें कर रहे थे? वही आपकी मनपसंद की, I mean, आपकी शादी की। ओहो, भैया कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। वैसे आपकी पसंद क्या? क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई साड़ी खींच रहा है। अरे, आप हंस क्यों रहे हैं? चुपा, गाड़ी में कैसे आएगा? सीमा जी, क्या करें, एक्सीडेंट हो जाएगा। सॉरी, मैंने बटन तोड़ दिया। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, मैं पिन लगा देती हूँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये कर दिया ना खड्डा, सरकार रोड बना बना के थक जाती है और तुम 200 किलो का वजन लेकर 250 किलो का वजन लेकर ये खड्डा बना देती हो उसी रोड पर, और ये तमाचा है? अरे रे 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 रे, ये पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। ये ट्रैफिक जाम मैंने नहीं किया है। तो किसने किया है? चूहे ने। चूहे ने? कौन चूहा? यात्रा पे निकला था क्या? छोड़ूंगा नहीं, मत। अरे अबे अबे, अरे फिर नीचे घुट गया आकाश में की पाताल में, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हवलदार इधर आओ। किधर? अरे माँ का दूध पिया तो सामने आ छलिया। अबे सामने आ। चूहा जाए किधर भी, मगर तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे बेटा कौन है? हवलदार, ए हवलदार, बाहर निकलो। कौन है? बाहर निकलो। सर क्या कर रहे हो तुम? ये ट्रैफिक क्यों जाम कर रखी है तुमने? मैंने नहीं सर, चूहा।
चूहा वर चूहा 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 सर बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम नीचे क्या कर रहे थे? मैं चूहे को तलाश कर रहा था। चूहे चूहे को चूहे को नीचे तलाश कर रहे थे। मैं कहता हूँ पतलून उतारो। पतलून पतलून क्यों सर? मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। पतलून उतारो। अरे सर नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। पतलून उतारो। एक हवलदार को खुलेआम नंगा कर रहे। उतारो। मेरी बात सुनिए सर। ओ सर मेरी बात सुनिए। ओ क्या है? अरे चूहा ये कहाँ था? ये यहाँ था। हाँ मैं इसको वहां ढूंढ रहा था। मजा आ गया, सचमुच मजा आ गया। आपको मजा आया होगा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप इतनी जोर से चिल्लाई और पकड़ के मेरा बटन ही तोड़ दिया। मारिया, इतना बड़ा जुआ इनकी साड़ी में। सर, विश्वनाथ जी का फोन आया था डिपार्टमेंटल स्टोर की ओपनिंग के लिए। प्लीज प्लीज आप आइए ना सर, प्लीज कम इन। कितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ? सर 31 डिपार्टमेंट्स हैं और घर की जरूरत का सारा सामान इस एक छत के नीचे मिलेगा आपको। घर की जरूरतों का अच्छा सोचा आपने, मगर घर को भी तो किसी की जरूरत होती है विश्वनाथ जी। ओ, आपका मतलब घरवाली से तो नहीं है? वो किसी स्टोर में नहीं मिलती विक्रम जी, आपको उसे ढूंढना होगा, पसंद करना होगा। पसंद तो हमने कब की कर ली, लेकिन तो फिर देर किस बात की है? जिसको आप पसंद करेंगे उसकी किस्मत का समझो डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाएगा। आइए आगे चलो। मैं इधर साड़ियां देखकर आती हूँ। प्लीज कम सर, दिस इज आवर जेंट्स वेयर डिपार्टमेंट। काफी मॉडर्न ड्रेस बनाई है सर, आजकल तो डिमांड ही नहीं की है। ओह इट्स लवली, कितनी ब्यूटीफुल है ये। ये शिफॉन की है? यस। हाय इट्स लवली। कहाँ खो गए आप? उस स्टैचू में, बहुत खूबसूरत है। स्टैचू या साड़ी? साड़ी विश्वनाथ जी, साड़ी। आइए आइए सर, दिस इज आवर स्वीट्स डिपार्टमेंट। और ये हैं बच्चों के लिए खिलौने। ब्यूटीफुल कलेक्शन है, स्वीट्स और खिलौनों के लिए बच्चे और बच्चों के लिए। ये लेटेस्ट डिजाइन है, बहुत खूबसूरत है। अरे ये तो वही सेट है और साड़ी भी वही। आपको पसंद थी ना? आप स्टोर देख रहे थे या मुझे? मैं स्टोर भी देख रहा था और आपको भी। मैंने तो ऐसे ही और आप ऐसे वैसे कुछ नहीं सीमा। मोहन मेरे लिए कितने पसंद लेकर आता, मैं कुछ बोलता हूँ? रख लीजिए, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? आइंदा आप मेरे लिए कुछ नहीं लाएंगे, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं मांग लूंगी। मांगना तो दूसरों से पड़ता है सीमा जी, अपनों से नहीं। रख लीजिए। थैंक यू सो मच। मारिया, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि उसे सेटल होना पड़ता है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए वो वक्त आ गया है, तुम अब शादी कर लो। हाँ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? नो सर। जिसको मत मारिया, मैंने ग्रेसी आंटी से वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, एक अच्छा घर बनाकर दूंगा। नहीं सर, हमको इस घर से दूर मत भेजो सर। हमारा मामा हमसे प्रॉमिस दिया था कि मारिया इस घर को छोड़ के मत जाना। हम इस घर में बहुत सुखी है सर, हमको तो ये घर अपना लगता है। हम नहीं जाएगा सर। Hi, congratulations, Mr. Vikram. Thank you. Congratulations. Thank you. Hello. Please come. Please. Thank you. Enjoy yourself. Vari Vikram ji, badhaiyon, jan badhaiyon. Vari aisa khoobsurat hotel banaya hai ki charon taraf sundarta hi sundarta nazar aati hai. Aapko pyaas lagi hogi? Pyaas to lagi hai. Drink lijiye. आपकी खुशी के लिए पी लेता हूँ। डार्लिंग, तुम नहीं पी सकता डार्लिंग, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जरा सा पीने दो। नेवर।
इनकी खुशी के लिए पी लें तो। इनका खुशी का मतलब हम पी लेते हैं। सीमा, ये तुम बार बार उधर क्या देख रही हो? वो क्या है कि मैंने अपना एक खास मेहमान बुला लिया है और आपसे पूछा भी नहीं। तुम्हारा मेहमान सर आंखों पर, इज मोस्ट वेलकम। वो आ गए। और राजीव, राजीव इतना लेट क्यों? क्या करूं, अपना काम ही ऐसा है। हाँ, काम ही ऐसा है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ जिनके यहाँ मैं ठहरी हूँ, चलो ना। Are you comfortable? Yes, sir. Yes, sir. चलो ना। जल्दी क्या है, ऐसे ही रहो ना। लोग देख रहे हैं और तुम तो देखने दो। अच्छा होटल है। चलो। इतने साल सिंगापुर में रहने के बावजूद तुम पूरी की पूरी हिंदुस्तानी ही रही। अच्छी बात है, तुम्हें बहू के रूप में देखकर मेरे माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा। तो फिर ले चलो ना मुझे उनके पास। पहले उन्हें दिल्ली से तो आ जाने दो, फिर ले चलूंगा। ओके ओके चलो। एक्सक्यूज मी, ये हेलो मिस्टर राजीव, सीबीआई ऑफिसर। हेलो मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, जब पहली बार मिले थे तो मेरी वजह से इनका बैड लक हो गया था, और आज आज तो गुड लक ही गुड लक है। आपका भी और आपका भी। अब मेरे साथ कौन डांस करेगा? पहले आप। पहले आप मेरे मेहमान हो, पहले आप। Are you sure? I am sure. Thank you very much. Please. एक बात बताओ, तुम भैया और भाभी के साथ दिल्ली क्यों नहीं गई? जब तुम्हारा सिंगापुर में फोन आया कि तुम बॉम्बे आ रहे हो तो मैं दिल्ली जाकर क्या करती? जानते हो कितनी मुश्किल से भैया भाभी को पटाकर इंडिया लाई हूँ, और उसके बाद भाभी को दिल्ली भेजा और मैं यहाँ रुकी तुम्हारे लिए, और तुम्हारा तीन दिन से पता ही नहीं। क्या करूँ ब्यूटी, अपनी ड्यूटी ऐसी है। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, कहीं ऐसा ना हो कि ड्यूटी के चक्कर में इस ब्यूटी को कोई और उठा कर ले जाए। ऐसे कैसे हो सकता है, हम ले जाने दे तब ना। सच? हाँ। काश ऐसे ही हो। गले
गले लगते गले सब गिले तू मिटा दे ये दिल लगी ओ दिल लगी मेरा दिल ना जला दे लग जा गले प्लीज बहुत ही अच्छी पार्टी थी मजा आ गया अच्छा लगता है घर में लाइट नहीं है हाँ मारिया मारिया यस सर क्या हुआ सर सारा एरिया का लाइट चला गया है हमने फोन कर दिया है अभी लाइट आ जाएगा मैडम आपका रूम में कैंडल रख दिया है थैंक यू मारिया सर खाना लगा दूं अरे हम बोल कर गए थे हम खाना बाहर खाएंगे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया कमाल है आधी रात हो गई जाओ खाना खाओ अच्छा गुनगुनाती है आप आज बहुत खुश हो यो ही हमें नहीं बताओगे क्या बात है बात तो है पर बात तब है जब बात बन जाए ठीक है नहीं बताना चाहती हो तो नहीं बताओ हाँ ये बात नहीं दरअसल आप ही की वजह से तो है ये खुशी मेरी वजह से आप ना होते तो मैं इतनी खुश कभी ना होती पर विक्रम जी हाँ? ना जाने क्यों एक डर सा लगा रहता है कैसा डर ये खुशियां अगर कहीं छिन गई तो जिंदगी में हमेशा के लिए खालीपन आ जाएगा वो खालीपन कभी नहीं आएगा सच आप मेरी मदद करेंगे क्यों नहीं भैया भाभी आएंगे तो आप उन्हें टाल दीजिए मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ फिर मैं मदद नहीं करूंगा क्यों कुछ दिन क्यों आपको तो हमेशा के लिए यहीं रहना है मुझे हमेशा के लिए देखो सीमा जो आपकी जबान नहीं कह सकती है वो आपकी आंखें कह रही है आप फिक्र मत कीजिए मैं मोहन से कह दूंगा कि हम दोनों शादी कर रहे हैं ऐसा लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया है या मैंने ही कुछ गलत कह दिया यकीन मानिए मैंने आपको सिर्फ एक दोस्त समझा है और कुछ नहीं समझा समझ गया सीमा जी सब समझ गया लेकिन जरा देर से समझा विक्रम जी I'm sorry
ये सेक्रेट लाइट है, इसे ऐसे नहीं बुझाते। ये लाइट हम प्रेयर के वास्ते यूज करते हैं सर। सॉरी मारिया। जब भी हम लोगों की जिंदगी में कोई दुख या अंधेरा आता है ना सर, तो हम लोग ये कैंडल जलाकर मदर मेरी के सामने रखकर प्रे करता है और कहते हैं, हे मदर मेरी, हमारी जिंदगी के अंधेरे दूर कर दो। और सच बोलता है सर, वो हमारी जिंदगी के अंधेरे दूर कर देती है। क्या देख रहे हैं सर? अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हूं। रोशनी तो यहां है सर। मारिया, एक फिलासफर ने कहा है कि मर्द को उसी औरत से शादी करनी चाहिए जो औरत उससे प्यार करती है। यस सर, हमारा मामी भी यही कहा करती थी, दैट अ मैन शुड ऑलवेज मैरी अ वुमन हु लव्स हिम। तुम मुझसे शादी करोगी? मदर मेरी ने अपनी जिंदगी का अंधेरा भी दूर कर दिया मारिया। क्या सोच रहे हो मारिया? कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विक्रम प्रताप, आज से आप कानूनन पति पत्नी हैं। थैंक यू मारिया। शादी मुबारक हो सर। अब आप दोनों माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। जीते रहो, सुखी रहो। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हमें सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। भैया ना सिमाना, रो मत। सिमा नहीं रोते पगली। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए, तेरा मन, तेरी पसंद, सब कुछ तुझे मिल गया। राजीव, हम तो आज रात की फ्लाइट से सिंगापुर जा रहे हैं, पर वादा करो तुम सीमा को लेकर सिंगापुर जरूर आओगे। अरे सिंगापुर तो इसका देखा हुआ है, पहले मैं इसे हिंदुस्तान के सारे पुर दिखा दूं, कोल्हापुर ले जाकर वहाँ की चप्पल दिलवा दूं, शोलापुर की चादर दिलवा दूं, नागपुर के संतरे खिलवा दूं और कानपुर के। बस बस बस, संतरे वंतरे बाद में खिलाना, पहले खाना खा लो, नहीं तो सारी पूरियां पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी। चलो चलिए। भैया, ओ भैया। अरे मारिया, भैया किधर है? भाई स्मार्ट, अरे बोलना भैया किधर है? ऊपर। अरे ऊपर क्या कर रहे हैं? भैया, ओ भैया, भैया, भैया आ गया। भैया ये सब क्या भैया? ना बाजा ना बारात, ऐसे कैसे शादी कर लिया आपने? ये भी कोई तरीका है? भाभी कहाँ है? गौतम, गौतम तेरी भाभी मारिया है। मारिया, मारिया और भाभी? अचानक ये काम करने वाली और आप भैया? कुछ बस हो गया गौतम, मैं इसे संजोग कहूं या किस्मत, कुछ ऐसा एहसास हुआ कि इस घर को, मारिया को, मुझको, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। और फिर जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं लगती। क्या बुराई है इसमें? भाभी, भाभी,
भी खुशी के आंसू बेगा चीज है भाभी, बेहतरीन तो रुकते नहीं, अब इनका कोई काम नहीं है। अरे अच्छा किया जो भैया ने फटाफट शादी कर ली, वरना बारात ले भी जाते तो कहां तक ले जाते, अपने बेडरूम से लेकर तुम्हारे बेडरूम तक। अरे भाभी बारात तो निकलेगी मेरी इस घर से लेकर डॉली के घर तक। हाँ चलो मैं तुम्हें उससे मिला। अरे तुम कहां जा रहे हो? भैया मैं अभी डॉली से मिलाकर वापस लेकर आता हूँ, चलो भाभी चलो। अब तेरी शादी का इंतजाम करना पड़ेगा। शादी से मुझे क्या इनकार हो सकता है, ये तो मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि वो इतने बड़े घर में जाएगी। तो भी डन अंकल। मगर बेटे कहां मैं मामूली सा बैंक ऑफिसर और कहां विक्रम प्रताप सिंह जी। गौतम के भाई साहब अमीर गरीब छोटा बड़ा इन सब बातों को नहीं मानते, मुझे ही देख लीजिए ना, कहां वो और कहां मुझ जैसी मामूली। विक्रम भाई साहब ने मुझे देखते ही हाँ कर दी थी। यस अंकल, कुछ नहीं पूछा, हाँ कर दी। क्यों भाभी? देख रही हैं आप कितने उतावले हो रहे हैं, इन दोनों का पागलपन देख के लगता है कि विक्रम प्रताप सिंह जी से बात करनी। इसका मतलब आपने हाँ कर दी। थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू वेरी मच, बस आशीर्वाद दीजिए और आप मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा। तुम दोनों का मुंह मीठा तब तक नहीं होगा जब तक तुम दोनों बीए पास नहीं कर लेते। सक्सेना साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, चलो गौतम घर चलते हैं, तुम्हारे भैया राह देख रहे होंगे। अच्छा अरे लेकिन आप लोगों ने चाय कॉफी कुछ नहीं? फिर कभी। श्योर? पॉजिटिव। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अंकल जी, अरे अरे खटमल खटमल खटमल, देखो 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 सीमा, अभी फ्लाइट में बहुत टाइम है, क्या है कि कश्मीर जाने से पहले छोटा सा हनीमून। क्या बात कर रहे हैं आप? सीमा प्लीज, सीमा प्लीज, सीमा प्लीज, क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला है। अरे यार जल्दी जाकर बंद करके आओ ना, जल्दी आना। माँ जी, माँ जी, क्या बात है बेटी? माँ जी आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ बेटे, क्या बात है? कुछ नहीं, वो हाँ कश्मीर जा रहे हैं ना, तो आपका आशीर्वाद चाहिए था। जी तेरो रामू, देख लूंगा तुझे। पिताजी मैं यहाँ हूँ राजीव। हाँ पिताजी हम लोग जा रहे हैं। जा रहे हो बेटे? अच्छा एंजॉय योरसेल्फ। एक मिनट। हेलो राजीव स्पीकिंग। व्हाट शिप में? आई सी गौतम नगर। ठीक है मैं पहुंचता हूं, हम लोग कश्मीर नहीं जाएंगे। हमारा माल शिप में आ गया है, वो सारा माल गोड़ा नंबर 7 में पहुंचा दो जी। बस्ती वाले शादी के जश्न में मस्त है। ओके ओके। बड़े सरकार आ गए। अरे क्या शिवाजी राव एक बार सब ठीक चल रहा है ना? सरकार आपकी कृपा है, आप हम गरीबों की शादी का बोझ भी उठाते रहते हैं, सारी बस्ती में आपकी ही चर्चा है, सभी आपके गुण गा रहे हैं। सब ऊपर वाले के। अरे छोटे सरकार आ गए, छोटे सरकार आ गए, आइए 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 छोटे सरकार आइए। नमस्ते छोटे सरकार, नमस्ते। आगे बड़ी मालकिन, आगे नमस्ते। ये हमारा सौभाग्य है जो आप हमारी छोटी सी बस्ती में पधारी, आइए आइए। कैसे हो बिल्वा? गौतम नगर, क्या ये बस्ती गौतम के नाम पर बनाई है? हाँ ये एक बहुत गंदी बस्ती थी, ये सब टूटे फूटे मकान थे। अरे सरकार की मेहरबानी से गंदी बस्ती सुधर गई। अरे गौतम तुम लोग अचानक इधर? भाई साहब मेरी जारी ने गौतम और मेरी शादी के लिए हाँ कर दी, कंग्रेचुलेशन। भैया घर पहुँचे तो पता चला आप यहाँ शादियाँ करवा रहे हैं, हम अपने दिलबर को ले आए, सोचा हम भी फ्री फंड में शादी कर लें। सरकार शादी के जोड़े आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए आओ डॉली। सीमा जी अरे सीमा तुम और यहाँ? और कहाँ जाओ, हनीमून पर तो लेके नहीं गए,
तो तुम्हारे पीछे यहाँ भी नहीं आ सकती? सीमा, मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ। और मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तो समझाओ ना प्लीज। सीमा जी, अरे आप यहाँ कैसे? मारिया, माई हस्बैंड राजीव एंड शी इज मिसेस विक्रम प्रताप सिंह। नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। थैंक यू। तुमको भी शादी मुबारक हो मारिया। थैंक यू। वैसे आप आज इस बस्ती में बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। यहाँ एक साथ 5 शादियाँ हो रही हैं आज। अच्छा? हाँ। लगता है आजकल शादियों का मौसम है। आइए ना आप। नहीं नहीं, हम लोग तो यूं ही। नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर आप नहीं आए और विक्रम साहब को पता चल गया कि आप उनकी बस्ती में आकर उनसे नहीं मिले तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आइए ना आप। आइए आइए, चलिए। नमस्ते। सुनिए, सीमा जी आई है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। गुड। अरे राजीव, कमाल है आप जैसा बड़ा ऑफिसर इस छोटी सी बस्ती में। गुड गुड। आइए मैं आपको अपनी बस्ती दिखाता हूँ। मिस्टर विक्रम प्रताप, जिस बस्ती में आप जैसी हस्ती हो वो बस्ती छोटी कैसे हो सकती है? मिस्टर राजीव, गरीबों के लिए हमारे दिल में और हमारे लिए गरीबों के दिल में जो प्यार है, हमदर्दी है, उसका एक छोटा सा रूप है यह बस्ती। समझ में नहीं आता मिस्टर विक्रम कि इस बस्ती से आपकी हस्ती है या आपकी हस्ती से यह बस्ती। यह दुनिया सिर्फ मुझसे और आपसे नहीं, हम सबसे है। हम तो एक ही बात जानते हैं, इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है प्यार, मोहब्बत। ये जवानी है खुदा की, मैं है Thank you.
के करो मेहरबानी। कहती है रुत ये सुहानी, सुन ले जरा दुनिया है क्या, दुनिया है प्यार की कहानी। मैंने खुद गोलियां मारकर पेटियां समुद्र में गिराई हैं। जरूरी दोस्ती के मच्छेरे। रुक जा वहीं पर। भैया गौतम नगर में सोना? बताओ वो सोना किसका है? घबराओ मत, कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वरना तुम्हारी खामोशी तुम्हारी जान ले सकती है। आप कहां जा रहे हैं? मौर्य, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं गरीबों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया राजीव, आखिर तुम सामने आ ही गए इस डर से कि कहीं वो तुम्हारा नाम न बता दें। लोग किसी पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं, और तुम बंदूक उठाने से पहले 1 बार भी नहीं सोचते। क्या तुम नहीं जानते कि यह शरीफ और ईमानदारों की बस्ती है? शराफत और ईमानदारी उस जाल में पड़ी साफ दिखाई दे रही। वो सोना चिक चिक कर कह रहा है
कि यहां स्मगलिंग होती है। ये जो तुम शादियां करवाते हो, ये बंजारों की टोली बुलाकर नाच गाना करवाते हो, ये सब इस बस्ती वालों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि तुम आसानी से हेलीकॉप्टर में अपना माल यहां से वहां ले जा सको। कौन सा माल? कौन सा हेलीकॉप्टर? अगर जाल में मछलियों के साथ सोने की पेटी मिल जाए तो तुम उस पर किसी का भी नाम लिख दोगे? अगर तुम्हें सड़क पे चलते चलते नोटों का बंडल मिल जाए, क्या तुम बता सकोगे वो बंडल किसका है? क्या सबूत होगा तुम्हारे पास? मिस्टर राजीव, एक बात याद रखो, फिर कभी इस बस्ती पर या मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश की तो ये जो सीबीआई ऑफिसर का कार्ड जेब में लिए घूमते हो, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है, वो तुमसे छिन जाएगा। कुदरत ने अभी तक वो हाथ नहीं बनाए जो मुझसे मेरा नाम और पहचान छीन सके। इस कार्ड की तरह तुम्हें अपनी जेब में न डाला तो मेरा नाम भी राजीव नहीं। प्रॉमिस? यस, दैट्स अ प्रॉमिस। केतन मेरा बेटा, हमारे खानदान की शान। नहीं 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 नहीं, मत रोना। नहीं 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 नहीं, मत रोना मत रोना। नहीं 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 नहीं, देख देख, मत रोना मत। क्या तेरी माँ का लाडा थक भरिया भरिया, क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप? अरे ले ले, मैं इसे नहीं संभाल सकता। कैसे बाप हैं आप, दो मिनट भी अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते? अरे यार, जो इसे चाहिए वो मैं कैसे दे सकता हूँ? ओहो, क्या चाहिए इसे? इसे चाहिए वो चाहिए। बड़े बेशरम हैं आप। बहादुर, केतन का दूध दो। अरे भाभी, मैंने बहादुर को गाड़ी साफ करने के लिए भेजा है, ये लो दूध। अरे भैया, आप इतने तैयार नहीं हुए? वहाँ डॉली के डैडी खाने के साथ रेडी बैठे हैं। प्लीज भैया, जरा जल्दी तैयार हो जाइए। यस। अरे भाभी देखो, तुमको देख रहा है। पापा को देखो, पापा को बिल्कुल पापा की तरह लगता ही है ना? गॉड। बाबा छोड़ तो आएगा। अरे नहीं, बच गया साहब, बच गया बच गया। ठीक हो ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपको सामान सब गिर गया? ये तस्वीर आपके पास? हाँ, ये मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरा बेटा विकी। विकी? हाँ विकी, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। आपका बेटा विकी अभी तक जिंदा है क्या? हाँ, ये देखिए मेरा बेटा। पिताजी, मारिया, गौतम। पिताजी, ये आपका छोटा बेटा गौतम, गौतम। और ये आपकी बहू। आप कार में बैठिए, मैं सामान लेकर आता हूं। देखिए, हमें इस होटल की तलाशी लेनी है, हमारे पास वारंट है। इंस्पेक्टर साहब, तलाशी ले सकते हैं आप। मिस्टर देश पांडे, आप उस स्विमिंग पूल की तरफ जाइए। यस सर। हवलदार, तुम मेरे साथ आओ और इन दोनों की तलाशी लो। अरे बच के कहां जाएगी, बच के कहां जाएगी। आ जा आ जा। होल्ड होल्ड, तलाशी लेनी है। क्या तलाशी लेनी है? अरे हमको स्मगलिंग का इन्फॉर्मेशन मिला है। क्या? सोना, सोने का बिस्किट, चांदी, डायमंड, सब छुपाया हुआ है। मेरी क्या तलाशी ले? अरे तलाशी तो लेनी पड़ेगी। क्या करता क्या करता क्या करता है? ए, इसमें क्या है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, वुंड, या फ्रैक्चर, एक्सीडेंट। स्टॉप इट। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक आदमी जख्मी है और तुम उसे इस तरह मार रहे हो? सर, ये शट अप। आई एम सॉरी मिस्टर लॉरेंस। हाँ मिस्टर लॉरेंस, यू मे गो, टेक हिम। थैंक यू। जाइए। इंस्पेक्टर, ये सच बंद करवा दो, इंफॉर्मेशन गलत है। ओके सर। नाउ टेक इट ऑफ। Thank you.
चलो राम भरोसे। तुम्हारा राम भरोसे हवालात पहुंच चुका है भंगी विक्रम प्रताप। तुम तो भंगी कहलाने के लायक भी नहीं हो। भंगी तो वो इंसान है जो समाज से गंदगी और कचरा साफ करता है, मगर तुम जैसा इंसान समाज को गंदा करता है अपने गुनाहों और अपने जुर्मों से। चल नीचे बैठ कचरे। विक्रम प्रताप कोई कचरा नहीं, जिसे तुम जब चाहो झाड़ू से साफ कर दो। वो एक पहाड़ है और कानून वो बारूद है जो इस पहाड़ को जब चाहे कचरा बना दे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, पुलिस स्टेशन में लॉरेंस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लॉरेंस? हाँ लॉरेंस। हालांकि इंटरपोल से मुझे खबर मिल चुकी थी कि हीरे लॉरेंस के प्लास्टर में है, लेकिन मैं तुम तक पहुंचना चाहता था और वो भी सबूत के साथ। अब तुम भी हो और सबूत भी है। चलो, तुम्हारी बिरादरी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। मिस्टर राजीव, आप गलती कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ मुजरिम को अंदर ले जाकर क्या करेंगे? सबूत तो पीछे रह गए। सबूत? यस सर। मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह? वो तो आउट ऑफ बॉम्बे गए हैं। कहाँ? ये तो बताया नहीं जा सकता। कमाल है, ऑफिस में इंफॉर्मेशन नहीं कि बॉस कहाँ है। हेलो, जरा विक्रम प्रताप सिंह को फोन देंगे? जी वो तो है नहीं, वो परसों शिकार पर चले गए हैं। कब तक आएंगे? 20-25 दिन तो लगे जाएंगे। कौन बोल रहे हैं आप? वही जवाब सर, सबके सब झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। कल हमारी आंखों के सामने ब्लास्टिंग हुई और मेरी गोली उसकी कांधे पर लगी, और हमारी आंखों के सामने उसके आदमी उसे सांप बचा कर ले गए। लेकिन सर, वो इसी शहर में है और कहीं छुपकर अपना इलाज करवा रहा है। कंट्रोल रूम से सारे पुलिस स्टेशन पर मैसेज भिजवा दो कि शहर के तमाम हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम पर कड़ी नजर रखें, और शहर से आने जाने वाले हर एक रास्ते पर नाकाबंदी करके विक्रम प्रताप को तलाश करें। ओके सर। राजीव अभी तक नहीं आया। लो पिताजी, मैं आ गया। अरे बड़ी देर कर दी बेटा, हमने तो तुम्हारा इंतजार करके खाना भी खा लिया। आप तो जानते हैं पिताजी की मेरा काम ही ऐसा। हाँ। चलो तुम दोनों खाना खा लो, मैं तुम्हारे पिताजी को लिटा के आती हूँ। बेटी जरा दूध भिजवा देना ऊपर। अच्छा माँ जी। चलो भाई खाना लगा ही दो। आओ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो कॉकरोच से डर गई। कॉकरोच? हेलो सर, सब जगह ढूंढा लेकिन विक्रम प्रताप सिंह का कहीं पता नहीं चला। व्हाट डू यू मीन? हवा बनकर उड़ गया या जमीन निकल गई
या आसमान खा गया उसे। मुझे वो आदमी हर हालत में चाहिए, समझे? कंटिन्यू सर्च टिल यू फाइंड हिम। क्या हुआ? कुछ नहीं बहू। जी बाजी, क्या बात है? आज बड़े गुस्से में है वो, इसीलिए मैं आपसे कहती थी पुलिस की नौकरी मत करवाइए, 24 घंटे जान का खतरा। अरे घबराओ मत लक्ष्मी, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अरे ये तो सच्चाई का रास्ता है, देश सेवा है ये। बेचारे ने खाना तक नहीं खाया। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, उनको खाना मैं खिला दूंगी, आप पिताजी को ले जाइए। हाँ चलो। खाना नहीं खाओगे? नहीं। खाने से भी गुस्सा हो क्या? चलो। मैंने कहा ना तुम जाकर खा लो। कितनी बार तुमसे कहा है कि जब घर आया करो तो अपनी ड्यूटी दरवाजे के बाहर छोड़कर आया करो। तुम क्या जानो कि ये ड्यूटी क्या होती है? हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। हाँ ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, सारा दिन बस ड्यूटी ड्यूटी। हाय मेरे किस काम की।
मॉर्निंग सर। क्या बात है, सब लोग बाहर क्यों खड़े? सर पुलिस यहाँ आई हुई है। पुलिस जी? आइए आइए मिस्टर विक्रम प्रताप, सुना है आजकल आपने शिकार खेलना शुरू कर दिया है? जी क्यों, शिकार खेलना जुर्म है क्या? आपके लिए तो कुछ भी जुर्म नहीं है। मतलब? मतलब ये मिस्टर विक्रम कि मुजरिम जब तक पकड़ा नहीं जाता वो अपने कांधों पर अपने जुर्मों का बोझ लादते ही जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो बोझ वहां एक ऐसा निशान बना देगा कि कानून के लिए सबूत बन जाएगा। मिस्टर राजीव, जिस सबूत को आप गली कूचों में ढूंढते फिरते हो वो सबूत आपके हाथ कभी नहीं आएगा। मिस्टर विक्रम, आज जो सबूत मैं लेकर आया हूं वो किसी कचरे की गाड़ी में नहीं है जिसे तुम ब्लास्ट कर दोगे। वो सबूत तुम्हारे कांधों पर है, मेरी गोली का निशान। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी गोली इसी कांधे पर लगी थी। कहां गया वो निशान, कहां गया वो निशान? मिस्टर राजीव, निशान मिट जाते हैं मिटाने वाला चाहिए। याद रखो, अगर तुम इसी तरह मेरा पीछा करते रहे तो ना तुम रहोगे ना निशान। शक्ल देखने वाली थी उस ऑफिसर की। एक सेकंड के लिए तो पत्थर हो गया था। जरूर हैरान हो गया होगा कि वो गोली का निशान गायब कहां हो गया। एग्जैक्टली आपने तो कमाल कर दिया डॉक्टर मेहता। मिस्टर विक्रम, ये छोटे मोटे गोली के निशान गायब करना तो बहुत मामूली सी बात है। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये लड़की का चेहरा देख रहे हैं? बहुत बदसूरत है। बदसूरत है ना? हाँ। कम विद मी, रीटा पोस्टपोन ऑल माय अपॉइंटमेंट्स फॉर हाफ एन आवर। ओके कम। ये वही लड़की है, मिस रश्मि। यस डॉक्टर। मिस रश्मि, आपको कुछ चाहिए? नो थैंक यू, टेक रेस्ट। आइए मिस्टर विक्रम, आइए। मिस्टर मेहता, ये कोई मान ही नहीं सकता कि वो बदसूरत लड़की इतनी खूबसूरत बन सकती है। ये तो कुछ भी नहीं मिस्टर विक्रम, इस प्लास्टिक सर्जन के हाथों में वो जादू है कि भगवान के बनाए हुए इंसान के चेहरे तो क्या तकदीर की लकीरों तक को बदल दे। आइए। कहां खो गए आप? तकदीर की लकीरों में। आप कहें तो आपकी तकदीर की लकीरें बदल दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग। ओ सोमनाथ जी सर, जरा कैसे से कहिए स्ट्रॉन्ग रूम की चाबियां ले आए। आपने मुझे बुलाया? हाँ, दमन साहब चाबियां ले आए। जी हाँ। वो ऐसा है कि हेड ऑफिस से फोन आया था कि यहां से सारा कैश हमें शिफ्ट करवाना है। कैश शिफ्ट करवाना है, मगर क्यों? भैया उनकी प्रॉब्लम है, हमारी आपकी थोड़ी ही है। जी हाँ सर। आप ताला खोलिए। जी आइए। धवन जी, ये बॉक्सर इधर लाइए। जी सर। कितना कैश ले जाना है सर? आप एक काम कीजिए, वो बाहर गार्ड्स खड़े हैं, उन्हें भेज दीजिए बॉक्सेस ले जाने के लिए। जी मैं अभी बुला के लाता हूं। ए गार्ड्स, अरे तुम लोग वहां बीड़ी पी रहे हो, अंदर मैनेजर साहब बुला रहे हैं, जल्दी आओ। चलो। गार्ड वो सारे बॉक्स उठा के वैन में रखो जल्दी जल्दी। मिस्टर धवन देखो, कैश के साथ मेरा हेड ऑफिस जाना बहुत जरूरी है और मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। जी तो मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा देना। ओके सर।
देखिए सेफ में मेरी भी चाबियां लगी हुई हैं, उन्हें संभाल के रखिएगा, मैं लौट के ले लूंगा। जी धवन साहब। जी भाई, वो कैश लेके जा रहा हूँ, सिग्नेचर नहीं लेंगे? ओ माय गॉड, भूल गया सर, वो तो बहुत जरूरी है। एक मिनट सर। इधर 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 लाइए धवन साहब, मैं यहां हूं। पेन लाइए। पेन देना। देखिए आइंदा ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। नेवर सर। सुनिए, वो स्ट्रॉन्ग रूम को संभाल लीजिएगा। वहीं जा रहा हूं सर। जल्दी करो मैन, बहुत सुस्त हैं आप लोग। चलो ड्राइवर। अरे ये सेफ भी खाली और लॉकर भी खुले हुए, हाँ ये सब कैसे हो गया? ओ नो, ओ नो, ओ नो, बर्बाद हो गए। संपत, सुधांशु, अमजद, सोनल, हरीश, बैंक लूट गया। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ अंदर कुछ लॉकर टूटे पड़े हैं और दूसरी सेफ भी खाली है। ये कैसे हो सकता है? आप और मैनेजर साहब भी तो अंदर गए थे। मैनेजर साहब? हाँ हाँ। अरे जल्दी से पुलिस को फोन करो वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ, मैं पुलिस को जल्दी फोन करो। बस यही रोको। मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मिस्टर धवन वो कल के पे क्या बात है? मिस्टर धवन सक्सेना साहब, मुझे ये बताइए कि अभी अभी जब आप कैश लेकर गए तो लॉकर्स खुले थे या बंद थे? मैं कैश लेकर गया? क्या कह रहे हैं मिस्टर धवन, मैं तो अभी अभी आया हूं। आप अभी अभी आए हैं तो कैश लेकर कौन चला गया? आप आए, कैश इकट्ठा किया, रजिस्टर पर साइन किए और कैश लेकर चले गए? मिस्टर धवन होश में तो है, आप जानते हैं क्या कह रहे हैं। मिस्टर सक्सेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इन सबसे पूछ लीजिए। मिस्टर पवार, मिस्टर जोशी, यू टेक चार्ज। बाहर का कोई भी आदमी अंदर ना आने पाए और अंदर का कोई भी आदमी बाहर ना जाने पाए। आप लोग मेरे साथ आइए। मिस्टर सोमनाथ कौन है? जी मैं हूं सोमनाथ। आप इन्हें फोन किया था कि बैंक के लॉकर्स टूटे हैं और कैश मिसिंग है? जी हाँ मैंने किया था। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट कहां पर है? उस तरफ है। आइए मेरे साथ। चलिए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं देखिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा, प्लीज वेट देयर। चलिए। आप सब लोग कहां आ रहे हैं? हां अंदर बैंक का कोई भी आदमी नहीं आएगा, अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाइए। जाइए इंस्पेक्टर। ये रहे टूटे हुए लॉकर्स और ये खुला हुआ सेफ। इंस्पेक्टर। यस सर। स्टाफ को ड्यूटी पर लगा दो, मुझे सभी फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स चाहिए। राइट सर। जाइए। और हां इंस्पेक्टर, बैंक के तमाम स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स लेना मत भूलिएगा। ओके सर। आप कह रहे थे कि बैंक के लॉकर्स टूटे हैं और मैनेजर कैश लेकर भाग गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सच कहता हूं, ये सब झूठ है। आप कौन है? मैं यही तो मैं आपको बताने जा रहा था कि मैं इस बैंक का मैनेजर हूं। आप मिस्टर सक्सेना? मिस्टर सक्सेना जी, आपने बैंक लूटा भी, कैश भी ले गए और आप यहां भी मौजूद हैं? ये गलत है, मैं मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बताता हूं सर, ये मेरे साथ स्ट्रांग रूम में गए, सेफ खोली, कैश इकट्ठा किया और लेकर चले गए। ये झूठ है, मेरी गाड़ी बांद्रा में पंक्चर हो गई थी जिसकी वजह से मैं भी पहुंचा हूं। मैं कैश रजिस्टर में इनके सिग्नेचर दिखा सकता हूं, आप आइए मेरे साथ प्लीज। ये देखिए सर। मिस्टर सक्सेना जी, ये आपके सिग्नेचर्स हैं? जी ये सिग्नेचर तो मेरे हैं, लेकिन यहां कैसे आए, किसने किया, मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर अरेस्ट दिस मैन। ये धोखा है, साजिश है, फरेब है, ये सब मुझे फंसाना चाह रहे हैं। मिस्टर सक्सेना, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में जाकर कहिए। लेकिन आप इंस्पेक्टर ले जाइए। अब मेरी बात तो सुनिए यूर ऑनर, पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया का सारा स्टाफ मिस्टर सक्सेना को अच्छी तरह जानता है और इन्हें पहचानने में किसी को भी कोई धोखा नहीं हो सकता। मैंने अदालत के सामने मिस्टर सक्सेना के मुजरिम होने के सबूत में बैंक के अकाउंटेंट और कैशियर से लेकर चपरासी तक 15 गवाह पेश किए हैं।
और अब सबसे बड़ा सबूत बैंक का यह रजिस्टर है जिस पर इनके दस्तखत हैं, जिसका इकरार मिस्टर सक्सेना अदालत के सामने कर चुके हैं। यूर आनर, फिर भी ये अपना जुर्म मानने से इनकार करते हैं। यूर आनर, एक गवाह झूठ बोल सकता है, दो गवाह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बैंक का पूरा स्टाफ नहीं। आप ठीक कहते हैं, मैं अदालत से माफी चाहता हूं। यूर आनर, मैं मानता हूं कि बैंक का स्टाफ झूठ नहीं बोल रहा, और किसी हद तक हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब सही हैं। मिस्टर राजीव, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, सीबीआई डिपार्टमेंट के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्हें मैं अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? योर ऑनर, मेरे दाएं हाथ में मिस्टर सक्सेना के फुट और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट है, और मेरे बाएं हाथ में उस आदमी के फुट और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट है जो पुलिस को बैंक के लॉकर्स और स्ट्रॉन्ग रूम में मिले, और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये दोनों प्रिंट्स अलग अलग आदमियों के हैं। जो जूतों के निशान बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में मिले उनका नंबर है 8, जबकि मिस्टर सक्सेना 9 नंबर का जूता पहनते हैं। और सबसे बड़ा सबूत वो सिग्नेचर है जो बैंक लूटने वाले ने कैशियर रजिस्टर में किए, जिसे बौखलाहट में मिस्टर सक्सेना अपना सिग्नेचर मान चुके हैं। योर ऑनर, वो सिग्नेचर इनका नहीं है। योर ऑनर, मिस्टर सक्सेना हमेशा साइन करते वक्त एन के नीचे एक छोटा सा नुक्ता लगाते हैं, लेकिन जिस आदमी ने बैंक लूटा वो गलती से एन के नीचे वही छोटा सा नुक्ता लगाना भूल गया। योर ऑनर, इन्हीं कागजात में दोनों सिग्नेचर्स की जीरोक्स कॉपी और एक्सपर्ट्स की तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अदालत खुद ही सही नतीजे पर पहुंच सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर राजीव? मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं योर ऑनर, कि बैंक के स्टाफ ने जिस मिस्टर सक्सेना को देखा वो ये मिस्टर सक्सेना नहीं थे, बल्कि कोई और दूसरा आदमी था, और वो दूसरा आदमी या तो इनका हम शक्ल था या उसने इस शक्ल का मास्क पहना हुआ था। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा योर ऑनर, कि एक मासूम इंसान को सजा देने की बजाय पुलिस को वक्त दिया जाए कि वो असली मुजरिम को अदालत में पेश कर सके, और तब तक के लिए मिस्टर सक्सेना को पुलिस कस्टडी में रखने की इजाजत दी जाए, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। ग्रांटेड साहब, अब तक तो हम पुलिस से बच गया, आगे कैसे बचेगा? प्लीज अपने को अभी चौन बना दो सक्सेना से साहब, इस हालत में, इस पोजीशन में देखे ना साहब। चिंता मत करो जान, हम डॉक्टर मेहता को इसलिए लाए हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से तुम्हारी असली सूरत फिर वापस बना दी जाए। थैंक यू सर। आप क्यों इस झंझट में पड़ते हैं मिस्टर विक्रम? इस नकली सक्सेना को खत्म क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर मेहता, विक्रम ने अपने आदमियों से बेवफाई करना नहीं सीखा, और फिर हम अपने बाजू बढ़ाते हैं, उन्हें काटते नहीं। आप जान को फिर से जान बनाएंगे। लेकिन विक्रम साहब, वो आपके सारे राज जानता है। आप भी तो हमारे सारे राज जानते हैं। यू आर राइट सर, यू आर राइट, यू आर राइट। चलिए। आपने कुत्ते को क्यों मारा? वो पुलिस का भेजा हुआ कुत्ता था, और पुलिस डिपार्टमेंट के हर कुत्ते को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं।
अपन कुछ नहीं किया, अपन सच सच। अरे भैया, ओ भैया। क्या बात है गौतम, क्यों इतना चिल्ला? अरे भैया, बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी लाए हो भैया? बैंक की चोरी का मुजरिम पकड़ा गया। बैंक का मुजरिम? हाँ, डॉली की डैडी बेकसूर है। किसी और ने डॉली की डैडी की शक्ल बनाकर बैंक लूट लिया। तुम्हें कैसे मालूम? अरे ये देखिए ना, अरे ये देखिए ना, पेपर में आया। अरे भैया, कोई और मेरी डॉली की दूसरी शक्ल बनाकर मेरे पास ले आता तो गड़बड़ हो जाती ना। अरे बड़ा कुत्ता आदमी है, बड़ा कमीना आदमी है, साला मेरे सामने आ जाता तो ऐसे जूते निकाल के मारता। कल देखते हैं भैया कि वो नकली सक्सेना अदालत में किसका नाम लेता है। योर ऑनर, मैं पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया की डकैती के असली मुजरिम को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर, मिस्टर राजीव, ये तो वही मिस्टर सक्सेना है। नो योर ऑनर, वो मिस्टर सक्सेना तो अभी तक पुलिस कस्टडी में है। वो देखिए, ऑर्डर ऑर्डर। वैसे अगर इन दोनों इंसानों को गौर से भी देखा जाए तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और सिग्नेचर्स ही इस बात को साबित करते हैं कि ये दो अलग अलग इंसान हैं। बैंक के लॉकर्स और स्ट्रॉन्ग रूम में जो प्रिंट्स पाए गए वो इसी इंसान के हैं। इसका असली नाम जॉन है और यह इस बात का इकरार करता है कि बैंक इसी ने लूटा है। तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? साहब, अपन बिल्कुल सच बताता है। ये जो हमारा चेहरा है ना साहब, ये असली नहीं है, और अपन का नाम जॉन है, सक्सेना नहीं है। मिस्टर राजीव, थोड़ी निकाल दी गई है। क्या मैं स्टेटमेंट ले सकता हूं? यस यस, अब खतरे की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। गुड मिस्टर जॉन, यही बयान तुम्हें अदालत में देना होगा। देगा साहब, देगा, हम जरूर देगा। उस आदमी ने हमारा शक्ल बदल दिया, इतना बड़ा बैंक में हमसे डकैती डलाया और ऊपर से हमको गोली मार। सब अगर अपना ही होता तो हम। पुलिस हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी, तुम्हें किसी किस्म का डर अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। ओके मिस्टर जॉन। ठीक है साहब। चलो इंस्पेक्टर। यस सर। थैंक यू साहब। इंस्पेक्टर। यस सर। इसके बचने की खबर सुनकर वो लोग दोबारा इस पर हमला कर सकते हैं, जरा ध्यान रखना। ओके। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री विक्रम प्रताप सिंह हमेशा गरीबों की मदद में सबसे आगे रहे हैं, और आज यतीम बच्चों के लिए इतना बड़ा अनाथालय बनाकर उन्होंने फिर साबित कर दिया है कि हम गरीबों की जिंदगी में अगर कोई हमारा सही हमदर्द है तो वो है श्री विक्रम प्रताप सिंह। मैं और ज्यादा कुछ ना कहकर इनसे प्रार्थना करूंगा कि वो यहां आकर आपसे दो शब्द कहें। आइए आइए। भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जब कुदरत ने मुझे इस काबिल बनाया, मैं दूसरों के गम बांटने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर अनाथ को प्यार मिले, रहने के लिए जगह और खाने के लिए रोटी मिले।
तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। आप होश में तो हैं? इनका जुर्म जॉन नाम के आदमी को सक्सेना बनाकर बैंक लूटना। ऐसा नहीं हो सकता भाइयों, पुलिस हमारे विक्रम प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार करने आई है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। शांत भाइयों, शांत। इसका फैसला अदालत करेगी। ये क्या बात है बेटे? मैं तुम्हारी जय जयकार सुनने आया था, यहाँ तो उसकी जय जयकार हो रही है। इसका फैसला अदालत करेगी पिताजी, आप अंदर तो आइए फिर देखिए मजा। बैठिए पिताजी, पिताजी बैठिए। यस मिस्टर लकड़ावाला, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया की डकैती के सिलसिले में मिस्टर जॉन के स्टेटमेंट पर मैं असली मुजरिम को कोर्ट में पेश कर रहा हूं। उनका नाम है मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह। विद योर काइंड परमिशन योर ऑनर, योर ऑनर, मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह अपराधी हैं या नहीं, इस बहस में पड़ने से पहले मैं अदालत को यह बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि हमारे समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक, गरीबों के हमदर्द मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह दरअसल एक बहुत पुरानी, गहरी और प्लान की हुई साजिश का शिकार हैं, और मैं इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह के पिता श्रीमान ज्वाला प्रताप सिंह को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर ज्वाला प्रताप, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपको अपने पिता को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई थी, क्या है सच है? हाँ, मुझ निर्दोष को खूनी साबित करवा दिया। आधी जिंदगी जेल की कोठी में गुजर गई, जब साहब मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे अलग हो गए, और ये सब मेरे भाई ने किया, चन्ना प्रताप, सीबीआई ऑफिसर राजू का बाप। ये झूठ बोल रहा है जज साहब, खून इसी ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर साहब, उसे मैंने अपने बच्चे की तरह प्यार किया, और दौलत के लालच में मेरे पिताजी को मजबूर करके सारी दौलत अपने नाम पर लिखवा ली, उन्हें कैद रखा, उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं गया और देखा तो मेरे आंखों के सामने इन्होंने मेरे पिताजी को गोली मार दी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप अदालत की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं, बैठ जाइए। बैठिए। बयान जारी रहे। हमें तो सजा मिल गई साहब, साहब अब हम झूठ क्यों बोले? हमने तो सजा काट ली, और जबकि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी हो गया, पैसे वाला हो गया, तो इस गंदे इंसान ने अपने बेटे को मेरे बेटे के पीछे लगा दी। ऐसा लालची, गंदा, गिरा हुआ इंसान हमने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। योर ऑनर, मेरे दोस्त मिस्टर मूलचंदानी ने अपने गवाह के जरिए अदालत को यह बताने की कोशिश की है कि मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह खानदानी दुश्मनी के शिकार है, जबकि जॉन का बयान यह है कि मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह के कहने से ही डॉक्टर मेहता ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जान के चेहरे को मिस्टर डीपी सक्सेना का चेहरा बनाया। क्या आप मिस्टर जॉन को अदालत में पेश कर सकते हैं? यस सर। इंस्पेक्टर, पुलिस ने अदालत में अपना बयान पेश किया है, उस पर तुम्हारे दस्तखत भी है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक तुम डीपी सक्सेना नहीं बल्कि जॉन हो। यस सर, अपन जॉन है। फिर क्या वजह थी, वो कौन था जिसकी वजह से तुम डीपी सक्सेना बने? बोलो मिस्टर जॉन।
खामोश क्यों हो मिस्टर जान? नहीं नहीं, वो अपन घंटा लगता साहब, अपन नहीं बताएगा, वो नहीं तो इधर अपन पे फिर गोली चल जाएगा। घबराओ नहीं, यहाँ किस बात का डर है तुम्हें? नहीं साहब, वो आदमी इधर ही है। कौन है वो आदमी? वो आदमी सीबीआई ऑफिसर राजीव है साहब। खामोश। नहीं 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 नहीं, देखा अपने को मार डालेगा ये। बकवास कर रहे हो तुम। मिस्टर राजीव, ये अदालत है, तहजीब से काम लीजिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। अपने स्टेटमेंट पर तो तुमने विक्रम प्रताप सिंह का नाम लिखवाया था। तभी ऑफिसर साहब ने हमारा कनपट्टी पर बंदूक का नली रख दिया और हमसे लिखवा लिया। भाई बैठ लग सर, हमारा बॉडी, हमारा फिगर, हमारा हाइट की असली सक्सेना साहब से बिल्कुल मिलता है। और फिर हमको पुलिस वाला पकड़ के ले गया, हमसे बोला कि जो हम बोलेगा और तुमने नहीं किया तो हम तुमको मर्डर केस में फंसा कर फांसी पे लटका देगा। और तुम डर गए? डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे साहब, पुलिस के डंडे से सबको डर लगता है। ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद? उसके बाद हमको डॉक्टर मेहता के यहाँ ले गए, प्लास्टिक सर्जरी करके हमारा आपका शकल बदलवा दिया साहब। फिर ये राजीव ऑफिसर, इसने हमको सक्सेना साहब का आपका फिल्म दिखाया। सक्सेना साहब कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, वो हमको दिखाया साहब। फिर उसके बाद बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम और लॉकर्स के बारे में हमको डिटेल में बताया। अब हमको इनका आवाज निकालने में बड़ा तकलीफ हुआ साहब। एक्सक्यूज मी सर। ये डॉक्टर मेहता। शक तो मुझे लंदन में हो गया था सर, लेकिन आज जब मुझे इस अदालत का सामान मिला तो मैं इस बात से। ये समन्स पुलिस ने इनको भेजा है, ये प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मेहता है सर। इस केस में इनका नाम आ चुका है। योर ऑनर, जब डॉक्टर मेहता अदालत में हाजिर हो ही गए तो मैं उन्हें गवाह के तौर पर विटनेस बॉक्स में लाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर मेहता जी। आपने अदालत में आती ये कहा कि आपको लंदन में ही शक हो गया था जी। कैसा शक? मेरे पास जॉन नाम के एक आदमी को लाया गया और कहा गया कि इसकी शक्ल बदल दीजिए। मैंने पूछा कि क्यों, तो कहने लगे कि देश के खिलाफ एक जासूसों का गिरोह है, उसे तोड़ना है। देशभक्ति की भावना में आकर मैंने उस आदमी की शक्ल बदल दी और उसने बैंक लूट लिया। ये जॉन को कौन लाया था आपके पास? जी, सीबीआई ऑफिसर राजीव। डॉक्टर मेहता, क्या आप सीबीआई ऑफिसर राजीव को पहचानते हैं? आप ही तो आए थे जॉन को लेकर, जज साहब यही आए थे जॉन को लेकर, भूल गए? आपने कहा था कि देश के खिलाफ एक स्पाई रिंग है जिसको तोड़ने में आपको मेरी मदद चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू प्रोसीड मिस्टर बुलचंदानी। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो डॉक्टर मेहता, मिस्टर राजीव ने आपको जॉन की शक्ल बदलने को कहा जी, और आपने उसकी शक्ल बदल दी, राइट? कैसे नहीं बदलता, देशभक्ति का मामला था और जज साहब हमारी रगों में तो देशभक्तों का खून दौड़ रहा है। हमारे पिताजी श्री प्राणलाल मेहता, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ आजादी की लड़ाई लड़े थे और 1942 में तो अंग्रेजों की गोली खाकर वो शहीद हो गए थे। मगर डॉक्टर मेहता, आपने कैसे यकीन कर लिया कि मिस्टर राजीव आपसे देशभक्ति का ही काम करवा रहे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें सरकारी कागज दिखाए गए और हमारे नाम सीबीआई डिपार्टमेंट का एक खत भी आया था और मिस्टर राजीव ने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया था। वो सरकारी कागजात और सीबीआई डिपार्टमेंट के लेटर्स तो आपके पास होंगे ही। जी हाँ, हमें मालूम था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। इस फाइल में सब कुछ है और इसमें वो लेटर भी है जिस पर मिस्टर राजीव के दस्तखत आप देख सकते हैं। लीजिए। अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह पर बैंक की डकैती का लगाया हुआ इल्जाम बेबुनियाद है, लिहाजा अदालत उन्हें बाइद्दत परी करती है और सीबीआई ऑफिसर राजीव को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। नहीं, यह अन्याय है साहब, ये इंसाफ नहीं है। नहीं, ये इंसाफ नहीं है भाई साहब।
खामोश हो जाएगी, घबराइए नहीं। आइए चलिए चलिए। विक्रम, मैं तुम्हारा असली रूप दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। बहुत जल्द तुम्हारी शराफत के मुंह पर कानून का ऐसा तमाचा मारूंगा जिसकी आवाज सारी दुनिया को सुनाई देगी। हम जो तमाचा मारते हैं उसकी आवाज बेशक सुनाई ना दे, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। गुड लक टू यू। मैंने आप जैसा नीच और गिरावा इंसान नहीं देखा। मैंने शादी से इनकार कर दिया तो उसका बदला आप मेरे पति से ले रहे? इस जिस्म से इतना ही लगाव है? जी। आपने ये सोचा ही कैसे? क्या समझती हो मुझे? तो फिर मेरे पति को झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया आपने? अपने सीने पर हाथ रख कर कहिए, क्या राजीव बैंक लूट सकते हैं? तो क्या मैं बैंक लूट सकता हूँ? क्या जरूरत है मुझे? क्या नहीं है मेरे पास? इज्जत, दौलत, बीवी, बच्चा, भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे। फिर भी आपके पति ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर भरी पब्लिक के सामने मुझे हथकड़ी लगा दी। क्यों, किस लिए? सीमा जी, यह खानदानी लड़ाई है जो बरसों पहले शुरू हुई है। इसकी वजह आप नहीं, इस लड़ाई से आपका कोई ताल्लुक नहीं। भैया भैया, अभी स्पेशल बुलेटिन में बताया गया कि राजीव जेल से भाग गया। आप टीवी ऑन कीजिए। एक्स सीबीआई ऑफिसर मिस्टर राजीव जेल से फरार हो गए हैं। जिस किसी व्यक्ति को इनका कहीं पता चले या नजर आए तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में फौरन खबर करें। फोन नंबर्स हैं। देखा, गिरा हुआ इंसान कौन है, मैं या? राजू जेल से भाग गया है। What? इससे पहले कि वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। बहादुर साहब नहीं आए क्या? खाना लगा दो। नहीं। क्या हुआ? मुझे खाना नहीं खाना। आप इतने परेशान क्यों? तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं, समझी? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? ये क्या बताएंगे भाभी, मैं बताता हूं। भैया का जो ये रूप देख रही हो ना तुम, ये असली नहीं है, ये एक दिखावा है, एक ढोंग है इनका। गौतम, ये क्या कह रहा है तू? गौतम, मैं ठीक कह रहा हूं भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये एक चोर, खूनी और लुटेरे हैं। क्या हो गया है आपको? ये झूठ बोल रहा है। झूठ कह रहा है ये? हाँ बिल्कुल झूठ। ठीक है तो आइए मेरे साथ, आइए, खाइए इसकी सर की कसम और कहिए कि जो गौतम कह रहा है वो झूठ है। चुप क्यों है आप? खाइए इसकी सर की कसम। बोलते क्यों नहीं आप? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं आप? खाइए कसम केतन की, कह दीजिए कि आप गलत तरीके से दौलत नहीं कमाते। मैं गलत तरीकों से दौलत कमाता हूं, लेकिन गलत कामों पर खर्च नहीं करता। मैं उनसे भूखों के पेट भरता हूं, अपनी तिजोरियां नहीं। लेकिन मैं ये सब क्यों करता हूं ये तुम नहीं समझोगे। समझोगे भी कैसे? इतने से थे तुम, इतने से केतन जैसे, जब मेरे गोद में डाल दिया गया, मेरे सामने मां की लाश पड़ी थी, इधर तू भूख से रो रहा था, उधर मैं भीख मांगता जा रहा था। जानते हो भीख मांगने से क्या मिला मुझे? जानते हो? ठोकरे मिली, ठोकरे। और भीख दी भी तो उन भिखारियों ने जो खुद भीख मांग रहे थे। उसके बाद मैंने तुझे दूध पिलाया, इधर तेरी पेट की आग बुझी, उधर मां की चिता जलाई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में
कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है गरीबी। और वो गरीबी हटाने के लिए आप गलत रास्ते पर चल पड़े। आप क्या समझते हैं कि इस रास्ते पर चलकर आप दुनिया की गरीबी हटा देंगे? मैं दुनिया की गरीबी ना हटा सकूं, लेकिन कुछ गरीबों का पेट तो भर सकता हूं। अरे तुझे भूख का क्या एहसास? क्या एहसास तुझे भूख का? मुझसे पूछ, पूछ मुझसे, क्या है भूख? जब गरीब को भूख लगती है तो भूखे को अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ दिखाई देती है रोटी रोटी रोटी। वाह भैया वाह, अगर सारे गरीब इस रास्ते पर चल पड़े तो दुनिया नरक बन जाएगी। अरे आप तो उस गरीब से भी गिरे हुए हैं जो भूखा रहकर भी सही रास्ते पर चलता है। लालत है इसी दौलत पर, लालत है इसी पाप की कमाई पर। अगर मैं आपके ऊपर बोझ बन गया था तो जला देना था मुझे मां की चिता के साथ। लेकिन इस गलत रास्ते पर नहीं चलना था आपको, इस गलत रास्ते पर नहीं चलना था भैया। गौतम ठीक कह रहा है, एकदम ठीक कह रहा है। छोड़ दीजिए ये रास्ता, अपने लिए ना सही तो इस मासूम बच्चे के लिए छोड़ दीजिए। नहीं मारिया, मैं रास्ता नहीं छोड़ सकता। तो फिर कौन दीजिए इसका गला? पड़ा होकर किस नाम से समाज में जी गई है, क्या बने गई है? वही जो आप हैं, विक्रम प्रताप सिंह के बेटे पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वही सही रास्ता है। आपके चरणों की सौगंध भैया, एक दिन मैं आपको जरूर सही रास्ते पर लेकर आऊंगा। तेरे भैया भटक गए गौतम, भटक गए। वो वापस आएंगे भाभी, एक दिन जरूर वापस आएंगे। तेरा तमाचा नहीं है जिसकी आवाज ना हो, ये मेरा तमाचा है। इसकी आवाज भी सुनाई देती है और चोट भी गहरी होती है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी और इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, अपना जो कलंक तूने मेरे माथे पर लगाया है, जब तक वो कलंक तुझे वापस तेरे माथे पर ना लगा दूं, तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। विक्रम प्रताप सिंह, आज तक तू कानून से आंख में चोरी खेलता है, अब कानून तेरे साथ आंख में चोरी खेलेगा। आलोक निरंजन, अंजन मंजन सब दुख भंजन, दूर करे चिंतन आलोक निरंजन। दिख गया तेरी आंखों में, दिख गया नाश है, सर्वनाश है, अरे बदमाश है, तेरे पुत्र का विनाश है। अलख निरंजन महाराज, अलख निरंजन महाराज, ये क्या कह रहे हो आप? मैं कौन होता हूँ कहने और करने वाला? वो तो राजीव राजेश्वर है, राजेश्वर, मैं तो उसका बालक हूँ पुत्र। मगर मैंने देख लिया तेरे पुत्र का काल उसके सिर पर मंडरा रहा है। महाराज शत्रु तेरे परिवार का ही कोई जीव है जो अग्नि बाण लेकर तेरे पुत्र के पीछे पड़ा है। अलख निरंजन, जिसका कोई उपाय उपाय चाय चाय अलग निरंजन चाय चाय बहुत है चाय। और सुन, ये यंत्र जिसको माला का स्वरूप दिया है मैं तेरे गले में डालता हूँ, पहन ले। परंतु याद रख, सबके सामने नहीं पहनना, छिपा के रखा। और ये कल नागपंचमी है, इसकी पूजा करना, श्रद्धा से करना। ये सांप तेरे हर कार्य की सूचना राजीव राजेश्वर को पहुंचाता रहेगा। स्वीकार कर। और सुन, वो राज राजेश्वर है तेरा और तेरे बेटे का कल्याण कर देगा। हेलो निरंजन, आशीर्वाद दीजिए महाराज। ए वाले, आ,
भाई साले स्वीकार कर, ये तो छोटा चिमटा है, बड़ा लाऊंगा, सब तुझे आनंद आएगा, जितनी ज्यादा मार खाएगा उतना तेरा कल्याण होगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग जय हो, अलग निरंजन, अलग निरंजन। माइक्रोफोन गले में डाल दिया, अलग निरंजन, अलग निरंजन। नागपंचमी है तो क्या हुआ, नाग क्या काटे तुम्हें? रास्तों में बहुत भीड़ है सर। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गौतम नगर से आज सारा माल शिफ्ट होना ही चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, अंडरस्टैंड? कुछ गड़बड़ नहीं होगा बेटे, नाग पंचमी के दिन नाग देवता ही हमारी मदद करेंगे। मतलब? मतलब नाग, नाग के अंदर माल। बोलो नाग देवता की जय, जागो।
हुआ जाएगा हवालात में। नाग देवता के सब बोले, पकड़ लो सबको। आप कौन है महाराज, और ये सोना किसका है? मैं कोई साधु नहीं, मैं सीबीआई ऑफिसर राजीव हूँ। और ये सोना किसका है? इसका जवाब ये देंगे। बता इन लोगों को कि ये सोना किसका है। ये सोना आपके विक्रम प्रताप का है। ये सरासर बकवास है, झूठ है, ये झूठ है। ये झूठ है तो फिर पूछो इससे, क्या ये विक्रम प्रताप का बाप नहीं? पूछो इससे, क्या ये सोना विक्रम प्रताप का नहीं? पूछो इससे, ये इस मूर्ति के अंदर बैठा ये क्या कर रहा था? ये जो आप देख रहे हैं, ये आज ही नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है। कहने को ये बस्ती आप लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन असल में ये स्मगलिंग का अड्डा है। और आप सब लोग अनजाने में जुर्म का साथ देते रहे हैं। विक्रम प्रताप अब यहाँ नहीं आएगा, और उसका बाप यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। कानून को अपने हाथ में मत लो, पुलिस को अपना काम करने दो। लेकिन सर, आपने उस बदमाश को जाने क्यों दिया? उसके गले में माइक है, तुम उसका पीछा करो और उस पर नजर रखना। गो। ओके सर। विक्रम प्रताप, विक्रम प्रताप, विक्रम प्रताप, विक्रम प्रताप, विक्रम प्रताप। गौतम, गौतम। हाँ भैया, बोलिए। पिताजी के बारे में कुछ? विकी बेटा, विकी बेटा। ये क्या पिताजी? कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े थे गौतम नगर वाले। रास्ते भर गौतम नगर वालों ने मुझे मारा, दौड़ाया, मुझे किया किसने? कुत्ता बना दिया। देख, 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 मुझे कुत्ता बना दिया। तुझे भी कुत्ता बनाएंगे। मैं तो भाग के आ गया, मेरी हड्डी और चड्डी तो बच गई, मगर तेरी चड्डी कैसे बचेगी? मगर ये सब किया किसने? वो गौतम। हेलो, अपने बाप से क्या पूछता है विक्रम? आंख मिचोली का खेल तो अभी शुरू हुआ है। गौतम नगर में तेरी शराफत का चोला उतर चुका है, और उसका सबूत है तेरे सामने खड़ा तेरा नंगा बाप। बास्टर्ड। यही वो कुत्ता है, नाक का सारा माल यही ले गया है बेटा। लेकिन हमारी आवाज उस तक कैसे पहुंचती है? मुझे घर मालूम, मुझे कुछ मालूम नहीं बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं बेटे, मुझे कुछ मालूम नहीं, सच्ची बोलता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। पिताजी, मुझे मालूम ही नहीं तो क्या बताऊं? माइक। राजीव, मेरी आवाज सुन सकता है तो सुन, मैं तेरी मौत बंद करा रहा हूं। भैया, नहीं, आप नहीं जा सकते। मारिया, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाओ। नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ भैया, अपना हाथ उठा के छोड़ जाओ भैया। गौतम, 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 रुको नहीं गौतम, रुको नहीं। भाभी, तुम चिंता मत करो। रुक जाओ भैया, मैं कहता हूँ रुक जाओ भैया। हट जा गौतम, हट जा भैया। रुक जाओ भैया, मेरी बात मान जाओ भैया, रुक जाओ। गाड़ी छोड़ गौतम, गाड़ी छोड़। आपको मेरी कसम भैया, रुक जाओ। मैं को पद पान छोड़ना चाहिए, गाड़ी छोड़। आप राजीव, मैं तेरी मौत बंद करा रहा हूं। राजीव, मैं तेरी मौत बंद करा रहा हूं, करा रहा हूं। ये क्या है? मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर, डॉक्टर सेन, डॉक्टर गुप्ता, ब्रिंग द ट्रॉली फास्ट। चंद्र प्रताप। अरे चंद्र प्रताप, कौन है? मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई ज्वाला। अब क्यों आया है यहाँ? अब रहा क्या है यहाँ? क्या लेने आए हो? चला जा, चला जा, चला जा। ठीक कहते हो भाई, मैंने काम ही ऐसे किए है। मेरे जैसा नीच, कमीना, गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा भाई, एक बार मुझे गले लगा कर माफ कर दो। नहीं। अरे गले लग जाए, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी मेरे। नहीं।
बहुत दर्द हो रहा है भाई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दर्द खत्म हो जाएगा। घबराना नहीं, तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। नमस्ते। सुनिए सुनिए, लगता है सो गए। चलो पहले खाना लगा देते हैं, बाद में जगाएंगे। अच्छा मां जी। सिस्टर मेरा बेटा गौतम, उसका रूम। अरे विकी विकी, गौतम कैसा है? उसकी हालत बहुत खराब है पिताजी, 40 टांगे लगे हैं। 40? हाँ, 7 बार लोग खून दिया है। ठीक होने में कम से कम 7-8 महीने तो लगेंगे। कहाँ है वो, कहाँ है वो? वहां मत जाइए पिताजी, आप बात करेंगे तो उसे तकलीफ होगी। उसे बात करना, हिलना डुलना बिल्कुल मना है। मैं उसे बोलूंगा नहीं, एक सेकंड उसे देखूंगा सिर्फ। अरे गौतम कहाँ गया? तुम्हें पक्का मालूम है कि गौतम यही था? हाँ पिताजी, मैं उसे यही छोड़कर। कोई ऐसा तो नहीं गौतम को? पिताजी भैया, अरे तुम भैया, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि ये खानदानी लड़ाई खत्म कर दीजिए। लेकिन लेकिन ये सब मेरे मेरे भाई आपको मानने आ रहे थे, उसी में ये सब हो गया। विक्रम नहीं भैया, मेरे भाई बुरे आदमी नहीं है भैया, वो भटक गए। आप उससे वादा कीजिए कि आप उन्हें नहीं मारेंगे। भैया आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उन्हें नहीं। गौतम, गौतम बेटा, गौतम, गौतम मारिया, गौतम मारिया, गौतम, अरे घर में कोई है या नहीं? हेलो। मेरे पिताजी को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन मैं तेरे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। तेरा भाई गौतम अब इस दुनिया में नहीं रहा, बाकी रही तेरी बीवी और तेरा बेटा केतन, वो भी मेरे कब्जे में है। अगर तूने अपने आप को मेरे हवाले न किया तो मैं नहीं। क्या हुआ बेटा? मरने या मारने का वक्त आ गया पिताजी। मुझे यकीन था विक्रम प्रताप कि तुम आ गए। एक ही विक्रम प्रताप चाहिए और वो भी असली, वरना पांचों मार दिए जाओगे। तू हमें नहीं मार सकता क्योंकि तेरे पास एक ही रिवॉल्वर है, लेकिन हमारे पास 5। इन रिवॉल्वर्स का मुंह इधर करने से पहले जरा अपना मुंह उधर घुमा कर देखना। विक्रम प्रताप, मैं अगर चाहूं तो क्या नहीं कर सकता? तेरे बेटे केतन और तुम सबको अभी और इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मरने से पहले मैंने तेरे भाई गौतम को वचन दिया था कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तेरे प्यारे बेटे केतन को न मारने का वचन नहीं दिया था। अपने अपने रिवॉल्वर्स पानी में फेंक दो
अब असली विक्रम प्रताप सामने आ जाए। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। जिस प्लास्टिक सर्जन मेहता ने तुम्हें 5 बनाकर भेजा है वो गिरफ्तार हो गया है और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। मैं आखिरी बार कहता हूं, असली विक्रम प्रताप सामने आ जाए वरना तुम्हारा बेटा। के सामने मेरे बेटे केतन और मेरे बाप को एक पल में मारा, अब मैं तुझे यहां हर पल मारूंगा। सिर्फ फेंको।
शायद गोली लग गई है। वी हैव टू डू इमरजेंसी लैंडिंग। ओके। विकी, हम सब ने मिलकर यह नाटक किया था तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। मैंने केतन को गोली नहीं मारी थी, वो तो सिर्फ उसका एक पुतला था। गौतम, केतन, मरिया सब मेरे पास थे, मेरे पास। राजू, नेट का इंतजाम करो। राजू, तेरा खून बह रहा है, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, नहीं, छोड़ दे मुझे, नहीं विक्की, नहीं, राजू तेरा खून बह रहा है, छोड़ दे मुझे, विक्की नीचे नेट आ गया, मैं तुझे छोड़ रहा हूं। ले जाओ उसे। राजीव। सीमा, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं सीमा।
कॉन्ग्रेचुलेशन राजीव, आखिर तुम्हें जेल से भगाने की पुलिस की स्कीम कामयाब रही। यस सर, लेकिन सर मेरे बचपन का दोस्त विक्की आज मुझे इस विक्रम प्रताप के रूप में मिला। लेकिन जुर्म की सजा तो इसे काटनी ही पड़ेगी। अब तो सारी जिंदगी भी जेल में कट जाए तो भी कोई परवाह नहीं। राजू, मुझे तू मिल गया, गौतम के तुम सब मिल गए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? फिर भी मैंने कारण तो थोड़ा ही है ना। नहीं मारिया, नहीं, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तेरा केतन मुझ जैसा नहीं बनेगा, बल्कि मेरे राजीव जैसे बनेगा। खानदान के इस चिराग का मैं अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब इन सब की जिम्मेदारी मेरी है विक्की। कर्म से ज्यादा अपने कर्तव्य का ख्याल रखो राजीव। यस सर। चल विक्की। विक्की, हम सब तेरा इंतजार करेंगे।